आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन ब्लैक या फेयर कुछ भी हो ही सकता है, उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। जिसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो ठीक है, पर क्या है, आप मतलब सभी चाहते हैं कि ग्लो करे, मतलब सबका स्किन ग्लो करे और स्किन में कोई पिंपल्स ना रहे और स्किन और भी ज़्यादा लाइटन हो जाए। तो स्किन लाइटनिंग के लिए मैं बहुत सारे टिप्स दिया और एक टिप्स दे रहे बहुत ही बढ़िया होम रेमेडीज दे रहे। जैसे ये ऑरेंज, ऑरेंज देखिए, ऑरेंज जो है कमला लेबू जिसको बोलते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज का ये ऊपर का हिस्सा, जैसे हम लोग ये ऐसे करके ये करते हैं तो ये वाला हिस्सा ये एकदम फेंकिएगा मत। ये वाला हिस्सा क्या कीजिएगा, इसको पेस्ट कीजिएगा, इसको मतलब मिक्सिंग करके, मतलब मिक्सी में पेस्ट करके आप 2 चम्मच हनी दे दीजिएगा। तो थोड़ा सा ये पेस्ट, ये डस्ट जो होगा उसके ऊपर 2 चम्मच हनी दे दीजिएगा। हनी देने के बाद आप नहाने से आधा घंटा पहले पूरा फेस में, बॉडी स्किन में, अंडर आर्म में आप लगा सकते हो पेस्ट बना के। लगाने के बाद आधा घंटा बाद अब ठंडा पानी से या हल्का गर्म पानी से धो दीजिएगा, नहा लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका एक भी पिंपल्स नहीं रहेगा और सबसे बड़ी बात है बहुत ज़्यादा आपका स्किन लाइटन हो जाएगा, बहुत ग्लो करेगा और एक बहुत सुंदर खुशबू आएगा। जो अंडर आर्म से भी जो बैड स्मेल आता है इसलिए डिओडोरेंट इस्तेमाल करना पड़ता है, वो करने का ज़रूरत भी नहीं होगा। तो ये ज़रूर अपनाइएगा, ये बहुत बढ़िया, बहुत इफेक्टिव है और ये बेनिफिट भी रहेगा। और ये यूज़ करने से पहले 24 आवर्स पहले एक छोटा जगह में, स्किन के एक छोटा हिस्सा में लगा के देखिएगा, अगर रैसेस ना आए तो ये रेमेडीज जरूर अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।